मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाना है? अल्लाह सिखाना है। शैतान सबसे पहले इंसान को गुमराह करने के लिए या तो खुदा का इंकार करवाता है, और जो खुदा को मानने वाले उनको शिर्क पे लेके आता है। अल्लाह के अलावा से दुआ मांगना भी क्या है? शिर्क है। आज के मुशरिक ने क्या किया? यहां भी डंडी मार दी। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम किसी और की ना इबादत करते हैं और ना हम दुआ मांगते हैं। हम नबी से जब हम कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, तो हम दुआ थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो हेल्प तलब, हेल्प मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हेल्प। हम जब पुलिस से कहते हैं प्लीज हेल्प मी, तो क्या मुशरिक हो जाते हैं? खूब समझ लो, माबूद का एक मतलब है अल्लाह की नजर में। माबूद का मतलब जिसकी इबादत की जाए और उसके अलावा किसी और की इबादत ना की जाए। मुशरिक यहां भी डंडी मारता है, हम इबादत थोड़ी कर रहे हैं, इबादत तो हम सिर्फ अल्लाह की कर रहे हैं। अल्लाह क्या कहता है? जो किसी से दुआ मांग रहा है तो दुआ सबसे बड़ी इबादत है। अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांग रहा है तो वो किसी और की इबादत कर रहा है, लिहाजा उसने एक से ज्यादा इलाह बना लिए। मुशरिक फिर डंडी मारता है, वो कहता है हम दुआ थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो नबी से या दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं। तो जैसे तुम पुलिस से हेल्प मांगते हो तो मुशरिक नहीं बनते, तो नबी से हेल्प मांगने से इंसान कहां से मुशरिक हो जाता है? नहीं यारी, मेरे ख्याल खोपड़ी शरीफ में बात। अरे भाई, आप लोग की जब बात समझ में आ रही है, ये तावील दर क्या होती चली जाती है शिर्क में, तावील। दोबारा से शुरू करता हूं ताकि सबक याद हो जाए। बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाना है? अल्लाह का वजूद, उसके बाद अल्लाह की तौहीद, उसके बाद तौहीद की डेफिनेशन कि बेटा तौहीद का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक अल्लाह को माना जाए जबान से, एटीट्यूड से पता चलना चाहिए कि आप प्रैक्टिकली भी किसको मानते हो एक अल्लाह को। बच्चा इंसान का बच्चा होगा तो आप पूछेगा अब्बू प्रैक्टिकली एक अल्लाह को मानना किसे कहते हैं, तो आप फिर उनको इत्तिफाकी मिसालें भी दो, एतराजी मिसालें भी। एतराजी किसे कहते हैं ये मैं पहले आपको समझा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को समझाते हैं ना, तो कुछ मिसालें ऐसी देती हैं, देनी पड़ती हैं जो उस पर पूरी उतर रही हों, और कुछ ऐसी देनी पड़ती हैं जो उस पर ना उतर रही हों, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि ये इसमें दाखिल नहीं है। मिसाल के तौर पर हम जब सर्फ नहव पढ़ते हैं ना, सर्फ और अरबी ग्रामर पढ़ते हैं, तो सर्फ में ये तलबा को पता है कि जब कोई सीगा हम हल करते हैं तो हम कहते हैं कानून पेश करते हैं कि ये इसकी इत्तिफाकी मिसाल है और ये इसकी एतराजी। मैं आसान जबान में समझ, देखो काला अरबी में एक लफ्ज है, काला क्या है अरबी में सबको पता है, काला कहा उसने, काला अल्लाह ताला, अल्लाह ने कहा, कहते हैं ना। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं ना तो बच्चों को सिखाते हैं देखो बेटा काला असल में था कावाला, असल में ये लफ्ज क्या था, कावाला, जराबा की तरह, जैसे जराबा है ऐसे क्या है कावाला। लेकिन वाव पे क्योंकि हरकत है, वाव साकिन नहीं है और उससे पहले जबर है, तो जब भी वाव के ऊपर हरकत होगी और उससे पहले जबर होगा तो अरबी में कायदा यह है कि उस वाव को अलिफ से तब्दील कर देते हैं। तो यहां भी चूंकि वाव पे हरकत है और उससे पहले जबर है, लिहाजा यहां वाव को क्या कर देंगे, अलिफ से तब्दील। तो यह कानून बता के बच्चे को पहले एतराजी मिसाल बताई जाती है कि देखो बच्चा कौलुन, कौलुन का लफ्ज है, यह कालुन क्यों नहीं हो रहा, बच्चे से पूछा जाता है। देखो बेटा कौल, और कुरान में है ना जगह कौलुन, कौलुन को कालुन नहीं पढ़ते, अब बताओ बेटा कौलुन को अलिफ से क्यों तब्दील नहीं कर रहे। बच्चा इंसान का बच्चा होगा तो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा अब्बू आपने जो कानून बताया था ना उसमें कहा था वाव के ऊपर हरकत हो, यहां साकिन है, जबर जेर पेश नहीं है, इसलिए यहां अलिफ से तब्दील नहीं करेंगे। इट इज कॉल्ड एतराजी मिसाल, इसको क्या कहते हैं एतराजी, यानी कानून की बाकी शर्तें पाई जा रही हैं, एक शर्त ना पाई जाने की वजह से यहां कानून जारी, बाकी सारी शर्तें वाव भी है, उससे पहले जबर भी है, सब कुछ है, लेकिन अलिफ से तब्दील नहीं करेंगे इसको हम। तो जब तौहीद बच्चे को समझाओ, पहली बात तो पहले खुद तो समझ लो, मुझे तो लग रहा है आप लोग कोई नहीं पता तो भी आप लोग फर्ज कर लें कि आप मेरे बच्चे हैं, फर्ज कर लें और मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत माजरत के साथ, यहां बहुत से लोग समझे हुए भी हैं, मेरा मकसद वो, मेरा तो स्टाइल अब ऐसा हो गया, क्या करूं मैं। तो तौहीद को ना एतराजी मिसालों से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वरना ये उम्मत शिर्क से नहीं बचेगी।
शैतान सबसे पहले इंसान को गुमराह करने के लिए या तो खुदा का इंकार करवाता है, और जो खुदा को मानने वाले उनको शिर्क पे लेके आता है। ईसा अलैहिस्सलाम तौहीद के कितने बड़े अलमबरदार थे, लेकिन ईसाई शिर्क से नहीं बच सके। हालांकि इंजील में जगह जगह तौहीद 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 आज भी है, तभी ईसाइयों से पूछो खुदा कितने कर, एक। किसकी इबादत करते हो? सिर्फ एक की। प्रैक्टिकली क्या है? गड़बड़ कर रहे हैं। वजह क्या है? जिस तरह से तौहीद को जब्त करना चाहिए था ना, एतराजी मिसालों से, जहां हम बताएं ये तौहीद है, वहां ये भी बताएं ये तौहीद लगती है, हकीकत में नहीं है। अच्छा, इसमें शिर्क में भी कुछ चीजें हैं जो शिर्क लगती हैं, होती नहीं है। वो दोनों को एतराजी मिसालों से सीखना। खैर, अभी तो बहुत लंबा मुआशरती उलूम का पूरा पेपर हो जाएगा, तो मैं जल्दी से इसको समेट के खत्म करता हूं। तो पहला, बच्चे को आप बताएंगे अल्लाह है, फिर आप बताएंगे बेटा वो अल्लाह, हम किस अल्लाह की तौहीद के कायल हैं। बच्चा पूछेगा अब्बू तौहीद क्या होती है? कोशिश करें बच्चे की अम्मा भी वहां बैठी हुई हो, कोशिश करें आप। तो बच्चा पूछेगा कि अब्बू तौहीद किसे कहते हैं? आप बोलो कि तौहीद का मतलब बनाने वाला भी एक, और इबादत भी सिर्फ उस एक की जाएगी। अब मुशरिक लोग फौरन यहां क्या कर देते हैं कि हम इबादत तो सिर्फ उसी की करते हैं, हम तो दूसरों से दुआ मांग रहे हैं। तो बच्चे को आपने समझाना है, बेटा किसी से दुआ मांगना पुकारना ये इबादत का जुज़्वे आज़म है। और कुरान की आयत भी याद कर लें, वमन यदउ मअल्लाही इलाहन आखर, जो अल्लाह के साथ किसी और को पुकारेगा, उससे दुआ मांगेगा, तो उसका हिसाब अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, नहीं छोड़ेगा अल्लाह उसको। तो इससे पता चलता है भाई, किसी से दुआ मांगना भी इबादत है, और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना ये क्या है? शिर्क है। तो अल्लाह के अलावा से दुआ मांगना भी क्या है? शिर्क है। आज के मुशरिक ने क्या किया? यहां भी डंडी मार दी। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम किसी और की ना इबादत करते हैं और ना हम दुआ मांगते हैं। हम नबी से जब हम कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, तो हम दुआ थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो हेल्प तलब हेल्प मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हेल्प। हम जब पुलिस से कहते हैं प्लीज हेल्प मी, तो क्या मुशरिक हो जाते हैं? भाई आप डाकू खड़ा हुआ है बंदूक लेके, अव्वल तो ऐसे मौके पे पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह होती नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करो पुलिस है और डाकू आपसे चीजें लेके भाग रहा है, तो आप पुलिस से फौरन क्या कहते हैं? प्लीज हेल्प मी। तो वो कहते हैं भाई, जब पुलिस से मदद मांगी जा सकती है तो या रसूलल्लाह मदद कह दिया, या पुलिस मदद कह दिया तो काफिर नहीं हुआ, या रसूलल्लाह मदद कह दिया, फौरन शिर्क और कुफर के फतवे लगना शुरू हो गए। ये कौन सा इस्लाम है भाई? तो बच्चे को फिर आपने समझाना है, इस बहाने आप खुद भी समझ जाओगे। बच्चे को फिर आपने समझाना है, बेटा मदद की दो किस्में हैं, एक मदद वो होती है जो असबाब के तहत होती है, और एक मदद वो होती है जो असबाब से हटकर होती है। जब आप पुलिस से मदद मांगते हैं तो क्या मतलब, जो काम भी पुलिस करेगी ना, उसकी साइंटिफिक लॉजिक होगी कोई ना कोई। पुलिस चल के आएगी, गाड़ी स्टार्ट करेगी, गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, टायर जुड़ा हुआ होगा तो टायर घूमेगा, असबाब मुहैया होंगे तो मदद होगी, असबाब नहीं होंगे तो मदद नहीं होगी। फिर पुलिस डाकू के पीछे पीछे भागेगी, अगर पुलिस की स्पीड डाकू से तेज हुई तो डाकू को पकड़ लेगी, अगर डाकू की स्पीड तेज हुई तो डाकू को बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं पकड़ेगी। आमतौर पर चूंकि डाकू की स्पीड तेज होती है इसलिए पकड़े नहीं जाते। तो ये सारे असबाब इख्तियार करके वो आपकी मदद करेगी, तो असबाब के तहत उनसे मदद मांगी जाती है। लेकिन जहां साइंटिफिक लॉजिक ना बनती हो, असबाब की दुनिया में मदद का इम्कान ना हो, वहां जब मदद मांगी जाएगी, ये मदद अरबी में दुआ कहलाती है। शरीयत इस पुकार को क्या कहता है? दुआ। ये अल्लाह से हो ये अल्लाह के अलावा से जब होती है तो ये शिर्क कहलाता है। जब कोई शख्स ये कहता है यहां बैठे बैठे या रसूल अल्लाह मेरी मदद करें, तो कोई साइंटिफिक लॉजिक है इसकी? नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी कब्रे मुबारक में है, वो कैसे मदद कर सकते हैं भाई, वो कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? क्या वो कब्र मुबारक से निकलकर आएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह हर जगह हर एक की सुनता भी है,
और जब चाहे जिसकी मदद कर भी सकता है। अब बच्चा अगर समझदार होगा तो आपसे एक सवाल पूछेगा, और अगर समझदार नहीं है तो आप खुद उसको ये सवाल उठा के उसका जवाब दे देना। जब लुकमान सलाम ने अपने बच्चे से कहा ना ला तुशरिक बिल्ला, तो उम्मीद है कि बच्चे ने सारे सवाल पूछे होंगे। तो कुरान ने तो इख्तिसार से जिक्र किया ना, ताकि आगे तुम उसको खुद एक्सप्लेन करते रहो बैठ के कि शिर्क किसे कहते हैं। तो बच्चा फिर आपसे पूछेगा कि अब्बू अगर असबाब से हट के इख्तियारात अल्लाह ने किसी को भी नहीं दिए, जो कोई भी करेगा, पुलिस असबाब के तहत करती है ना, क्या ख्याल है भाई? असबाब से हटके किसी के पास इख्तियारात अगर नहीं है, तभी तो हमें मना किया जा रहा है मत मांगो, क्योंकि अल्लाह ने इनको इख्तियारात नहीं दिए हैं, तभी तो कहा जा रहा है। दिए होते तो फिर अल्लाह क्यों रोकता? आपने किसी को किसी जगह का वजीर बना दिया कि पानी इसके इख्तियार में, जब चाहेगा पानी छोड़ेगा, और फिर गवर्नमेंट मना भी करे उसके पास ना जाना, तो हम कहेंगे भाई इख्तियारात दिए क्यों जब जाने से मना किया है? इसका मतलब दिए ही नहीं है। तो भाई असबाब से हट के अगर इख्तियारात मखलूक के पास नहीं होते, तो फिर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पे बैठे बैठे चांद के दो टुकड़े कैसे कर दिए? नहीं आ रही बात? इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ करने में किसी सबब के मोहताज नहीं है। इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक बनती है? अरे कोई साइंसदान इस बात को मानेगा कि कोई इंसान यहां से इशारा करे और चांद? पत्थर दो टुकड़ों में नहीं हो सकता, तो चांद कहां से दो टुकड़ों में तकसीम हो गया? अब्बू मुझे यह बताएं, हमने तो मौली साहब से जुम्मे में सुना है कि मूसा अलैहि सलाम जब लाठी फेंकते थे सांप बना दिया करते थे, असबाब की दुनिया में क्या यह पॉसिबल है? बोलते क्यों नहीं भाई? इम्पॉसिबल। ईसा अलैहि सलाम जब मुर्दे को कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा एकदम खड़ा हो जाता था। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली, अब तक एक रिपोर्ट भी ऐसी नहीं कि मुर्दे को जिंदा कर दिया हो। अगर मुमकिन होता सबसे पहले माइकल जैक्सन को जिंदा करते, उस पर बहुत खर्च हुआ था डॉक्टरों का, करोड़ों रुपए डॉक्टरों ने खर्च कर चुके थे उस पर इसको बचाने के लिए। तो सवाल पैदा होता है ये मरा क्यों? इंश्योरेंस कंपनियों का बेड़ा गर्क हो गया था। सबसे पहले किसको जिंदा करते भाई? तो जिनकी बीवियां मर गई हैं वो कभी भी जिंदा करने की कोशिश ना करते, लेकिन आजमाइश में आ जाते वो कि जिंदा किया तो फंसेंगे, नहीं किया तो लोग बोलेंगे मोहब्बत ही नहीं थी, तो बड़ी आजमाइश में फंस जाते वो। अच्छा खैर, तो अब सवाल पैदा होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को कैसे जिंदा किया? ईसा अलैहिस्सलाम जब कोढ़ के मरीज को हाथ लगाते वो ठीक हो जाता, ना कोई मेडिकल कॉलेज में ईसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, हत्ता के परिंदा बनाते मिट्टी से और फूंक मारते और वो सच्ची मुच्ची का परिंदा बनके उड़ने लगता। अब्बा ये सब क्या है? व्हाट्स हैपनिंग इंग्लिश में बोलेगा आजकल की बच्चे, ये क्या है नहीं बोलते, व्हाट्स गोइंग ऑन? अब्बा ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रहा हूं? इमाम साहब ने आज तकरीर में बताया, और फिर इमाम साहब ने यह भी बताया कि जब ईसा अलैहि सलाम मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो ईसा से भी ऊपर है, वो हमें औलाद क्यों नहीं दे सकते? तो आपने बच्चे को इस चीज में भी एक्सप्लेन बोलो करना है। बेटा बात यह है कि एक चीज होती है मोजिजा, वो पैगंबरों के हाथ पे सादिर होता है, उसमें पैगंबर के इरादे का दखल नहीं होता, ना वो काम पैगंबर करते हैं, काम कौन करता है? अल्लाह। पैगंबर का सिर्फ हाथ इस्तेमाल होता है, पैगंबर को इख्तियारात नहीं दिए जाते। बच्चा कहेगा अब्बा इसकी कोई दलील तो पेश करें, ऐसा ना हो आप मुझे तौहीद के नाम पे उल्लू बना रहे हो। और मस्जिद के जो मौलवी साहब थे वो सही मिसालें दे रहे थे कि मूसा जिंदा करते थे, मूसा लाठी को फेंकते थे सांप बनती थी, तो ये आपने कहां से निकाल दिया? कि हो सकता है अल्लाह ने इख्तियार दे दिया हो, अल्लाह ने नबी को इख्तियार दे दिया हो कि जब भी चाहेंगे आप यूं करेंगे चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे। इख्तियार दे दिए ना अल्लाह ने पैगंबर को, दिए भी तो अल्लाह नहीं है। तो आपने बोला ना बेटा अल्लाह ने किसी को इख्तियारात नहीं दिए, जब चाहता है किसी से काम ले लेता है। काम लेना अलग चीज है, इख्तियार देना अलग। इसकी एक मिसाल देता हूं, मिसाल से बात समझाएं। देखो बेटा ये जो पेन है, मैं जब इससे तुम्हारा नाम लिखता हूं, जैसे सत्तार नाम है बच्चे का, मैंने देखो एस से डबल टी ए आर लिख दिया, मैंने पेन से काम लिया है, पेन के पास ये इख्तियार नहीं कि खुद ही घूम घाम के एस लिख दे, ये इख्तियार है पेन के पास?
लिहाजा जब भी तुम कहोगे कि सितार लिखो तुम मुझे कहोगे, पेन को नहीं कहोगे, क्योंकि पेन मेरे हाथ में घूम रहा है, जहां चाहूं मैं घुमाऊं, पेन के पास इख्तियारात नहीं है। तो बेटा अल्लाह पैगंबरों से भी बाज दफा काम ले लेते हैं, पैगंबर को कहते हैं सिर्फ आप इशारा करें मैं टुकड़े कर दूंगा, इसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है। मांगना किससे है? अल्लाह से मांगना है। और फिर वो उसको दलील दें आप कि देखो बेटा अगर मूसा कलीमुल्लाह के पास ये इख्तियार होता कि लाठी को सांप बना दें, तो सवाल पैदा होता है सूरह तौहा में जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा मेरी लाठी है, इससे पत्ते वत्ते झाड़ता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा इसको ज़मीन पर डाल दे, अल्किहा या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर डाल दिया। कुरान कहते फ़ैदा ही हय्यतुन तसआ, सांप बन के दौड़ने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गए। कुरान कहते मूसा अलैहिस्सलाम भागे, वलम युअक्किब, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने एक जगह ये बयान किया तो नीचे किसी की आयत का रेफरेंस दें, रेफरेंस दें, उनको ख्याल था ये मुफ्ती साहब गलत बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके नजरियात पे जद पड़ रही थी। अरे मैं पूरी आयत पढ़ के सुना रहा हूं मेरे भाई, वलम युअक्किब कुरान के अल्फाज हैं, मूसा मुड़ के पीछे इतने खौफजदा हुए। अगर मूसा ने खुद लाठी को सांप बनाया होता तो क्या खौफजदा होके भागते? नहीं आई मेरा ख्याल है बात, खोपड़ी शरीफ यानी दिमाग शरीफ में। इसका मतलब मूसा को तो अगर कोई आदमी खुद जो करतब दिखाता है वो खुद थोड़ी डरता है, इसको तो पता होता है मेरा ही काम है भाई। अल्लाह ने फरमाया मूसा ला तखौफ इन्नी ला यखाफ लदैल मुरसलून, कैसी प्यारी आयत है यार, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ए मूसा मेरे सामने पैगंबर डरा नहीं करते, ये तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, अकबिल वापस पलट। क्या अंदाज है मूसा अल्लाह का, या मूसा अकबिल, ए मूसा वापस पलट। अल्लाह अगर ये ना कहते तो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंच चुके होते। कुरान में जलाल है जलाल, अकबिल वापस पलट, वला तखफ डर मत। जब अल्लाह ने मूसा ने अल्लाह का एक कलाम सुना ना कि अल्लाह कह रहा है पलट, मूसा अलैहिस्सलाम को बोला अब नहीं पलटा तो सांप कुछ कहे ना कहे, अल्लाह नाराज ना हो जाए, ऐसा ना अल्लाह कुछ कहे तो वापस पलटे। लेकिन फिर अल्लाह ने तसल्ली दी, तसल्ली ये दी कि अल्लाह देखो अल्लाह सिर्फ इतना कहते था वापस पलट तो हजरत मूसा फिर भी पलट जाते, लेकिन अल्लाह को पता था पलटते तो लेकिन डरते बहुत कि अल्लाह ताला मुझे सांप से डसवाना चाह रहा है भाई, पलट तो जाऊंगा लेकिन अब पता नहीं होगा क्या। मूसा को अल्लाह ने तसल्ली दी, पलट सनुईदुहा सीरतहल उला, घबरा मत इसको हम दोबारा लाठी बना देंगे। ये सारे काम कौन कर रहा है मेरे भाई? अल्लाह कर रहा है। मूसा के पास इसके इख्तियारात नहीं थे। अकबिल वापस पलट, सनुईदुहा सीरतहल उला, हम इसे वापस पुरानी कंडीशन में ले आएंगे, वही लाठी जो पहले थी। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा लाठी बना देंगे, क्योंकि इसमें मूसा अलैहिस्सलाम को डर होता है लाठी तो अंदर से सांप होगी ऊपर से लाठी लगेगी, हो सकता है, ये नहीं कहा अल्लाह ने लाठी बना, लाठी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सीरतहल उला, जो चीज ये पहले थी वही बन जाएगी, यानी बिल्कुल सच्ची मुच्ची की लाठी होगी। अगर लाठी कहते ना तो हजरत मूसा के दिल में खौफ हो सकता है, भाई है तो सांप, शक्ल कैसी हो जाएगी। ना ना ना, वापस वही जो थी वही कंडीशन, रिवर्स कर देंगे हम इसको। इससे पता चलता है मेरे भाई कि काम करने वाला कौन है? अल्लाह है। मूसा को लाठी को सांप बनाने का इख्तियार नहीं था। तभी आप देखो जब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फिरौन आया है और पानी पे आके रुक गए हैं तो बनी इसराइल ने कहा इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा आज तो पकड़े गए। मूसा ने ये थोड़ी कहा कि मेरे पास तो लाठी है, मैं चाहूंगा समंदर के दो टुकड़े करके निकल जाएंगे हम बड़े आराम से। ना ना ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई कल्ला इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ कौन है? रब है, मदद करेगा, पता नहीं कैसे करेगा ये मुझे मालूम नहीं है। तो इससे पता चलता है भाई मूसा अलैहिस्सलाम के पास मा फौकल असबाब इख्तियारात नहीं थे। अल्लाह ने कहा मूसा को ए मूसा इज़रिब, मार तू इस पानी को, मैं इसको बीच से फाड़ दूंगा, अलग कर दूंगा। कैसा मोजज़ा जाहिर हुआ है, सारे काम कौन कर रहा है? अल्लाह। फिर बच्चा अगर बहुत पढ़ा लिखा होगा ना, इंसान का बच्चा होगा यहां तक समझ जाएगा बात को, लेकिन आजकल इंसान के बच्चे मार्केट से क्या चल रहे हैं, थोड़े शॉर्ट चल रहे। हो सकता है फिर किसी का डसा हुआ हो, फिर सवाल पूछे अब्बा
आप तो कह रहे हैं कि सारे काम अल्लाह करता है, इसलिए अल्लाह कह रहे हैं ए मूसा मैं इसे लाठी को सांप बना दूंगा, मैं लाठी को वापस लाठी बना दूंगा, मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे, करूंगा कौन, मैं। लेकिन अब्बा सूरह मरियम में तो कुछ और लिखा हुआ है, सूरह मरियम में तो ये लिखा हुआ है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास आए और कहने लगे ए मरियम मैं फरिश्ता हूँ, इंसान नहीं हूँ, तेरे पास आया हूँ, लिया हबा लकी गुलामन ज़किया, मैं चाहता हूँ तुझे एक नेक बच्चा गिफ्ट में दे दूँ, औलाद दे दूँ मैं तुझे। बग़ैर शोहर के औरत को औलाद मिलना इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक है ना भाई? जिब्रील तो कह रहे हैं मैं दूंगा। अब हम यहां अगर ये तावील करें कि भाई अल्लाह दे रहा है, लेकिन यहां तो जिब्रील कह रहे हैं कौन दे रहा है, लिया हबा लकी मैं गिफ्ट करूंगा। हो सकता है कोई खतीब साहब ये तकरीर में कहें कि जब जिब्रील किसी को औलाद दे सकते हैं बगैर शोहर के बगैर असबाब के, तो हम तो मियाँ बीवी हैं भाई, हम तो सेहतमंद हैं, हम अगर किसी बुजुर्ग से औलाद मांग लें या नबी से औलाद मांग लें तो नबी का दर्जा जिब्रील से कम है या ज्यादा, और हम तो शादी से पहले नहीं शादी के बाद मांग रहे हैं नबी से औलाद, तो तुम तो नबी का दर्जा माजल्ला जिब्रील से भी कम कर रहे हो। तब जिब्रील औलाद दे सकते हैं तो पैगंबर औलाद क्यों नहीं दे सकते? और जब अल्लाह जिब्रील को इख्तियार दे सकता है औलाद देने का, तो पैगंबर को इख्तियार क्यों नहीं दे सकता? दाता दरबार को इख्तियार क्यों नहीं दे सकता? पीराने पीर को इख्तियार क्यों नहीं दे सकता औलाद देने का, जब जिब्रील को दे रहा है इख्तियार? ये सारी मिसालें ना आपने खुद कायम कर लेनी है, नहीं की ना तो इधर उधर से सुन के फिर सारी जिंदगी की तौहीद का बेड़ा गर्क हो जाएगा एक दिन में एक बयान सुनने। तो उस बच्चे को फिर आपने समझाना है जो अब तक आधे से ज्यादा इंसान का बच्चा बन चुका होगा, ठीक है ना, उसको क्या समझाना है आपने? बेटा देखो यहां पर जिब्रील ने अपनी तरफ जो निस्बत की है यह निस्बत मजाजी है, हकीकी निस्बत नहीं है। अब्बा ये हकीकी और मजाजी क्या होता है? आपका ताल्लुक लगता है मिर्जा गालिब के खानदान से, क्या हकीकी मजाजी लगा के रखे हुए बात? तो बच्चे को फिर आप बताओ देखो बेटा जब हमारी गाड़ी पंचर होती है तो हम क्या कहते हैं, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। तो गाड़ी पंचर हुई है, गाड़ी का टायर पंचर हुआ है, पंचर टायर हुआ है, इन शॉर्ट निस्बत किधर कर देते हैं? गाड़ी की तरफ। तो यहां भी असल में अल्लाह ने औलाद दी है क्योंकि जिब्रील की फूंक मारने से दी है, तो इन शॉर्ट जिब्रील ने निस्बत किसकी तरफ कर दी? अपनी तरफ। ये निस्बत जायज है, हम ये कह सकते हैं मूसा ने लाठी को सांप बनाया, हालांकि बनाया अल्लाह ने, लेकिन शॉर्टकट बात करने के लिए निस्बत किसकी तरफ कर देते हैं? मूसा की तरफ, कि भाई सबको पता है मूसा ये काम कर नहीं सकते, इन शॉर्ट हम निस्बत किधर कर देते हैं? जब बिल्कुल वाजे बात होती है तो इसकी मिसाल ऐसे है, आपसे कोई पूछता है भाई वलीमे में तुम गए क्या खाया? आपको मैंने बिरयानी की दो प्लेटें खा गया। अगला कह रहा है कमबख्त तो बिरयानी किसने खाई फिर, प्लेटें जब तूने खा ली हैं, अगर तू प्लेटें खा के आया है तो बिरयानी किसने खाई है? आप बोलोगे तू पागल है, मैं प्लेटों की तरफ निस्बत मजाजन कर रहा हूं, क्योंकि बिरयानी और प्लेट का आपस में क्या होता है, गहरा रिश्ता होता है, प्लेट उसी बिरयानी उसी प्लेट में होती है। तो क्वांटिटी बताने के लिए मैंने कहा कि दो प्लेटें, ताकि तुम्हें यह भी पता चल जाए क्या खाया और वो भी पता चल जाए जो तुमने नहीं पूछा, यानी कितना खाया। तो अगला कहेगा तो इतनी डिटेल में जाने की तुम्हें जरूरत क्या थी, इतनी एक्सप्लेनेशन की, पहली दफा में ऐसी बात करते कि वजाहती बयान ना जारी करना पड़ता, पहली दफा में कह देते कि मैंने प्लेटें नहीं खाई बल्कि मैंने बिरयानी खाई। तो आप जवाब में कहोगे मेरा ख्याल था तू समझदार आदमी है, समझदार को पता होता है कि दुनिया में प्लेटें कोई भी नहीं खाता, तो इन शॉर्ट मैंने कह दिया। तो कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह ने इतनी दफा बताया कि सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा नहीं कर सकते असबाब से हटके कोई, तो इसलिए अल्लाह ने एक दफा कह दिया जिब्रील को, जिब्रील ने कह दिया कि मैं तुम्हें औलाद दे रहा हूं, क्योंकि जिब्रील को पता था, मरियम को पता है कि जिब्रील औलाद नहीं दे सकते, मजाजन निस्बत कर रहे हैं, यह तयशुदा बात है। नहीं आ रही मेरा ख्याल खोपड़ी शरीफ में, बच्चा अगर इंसान का बच्चा अब तक 99% उम्मीद है बन जाना चाहिए, अभी भी नहीं बनाना तो उसको चिड़ियाघर में जमा करा दो जाके। हमारे यहां फरमाया करते थे, नहीं वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब बच्चा पूछेगा अब्बा अगर इसकी कोई दलील भी साथ में आ जाए ना, इसकी कोई मिसाल आ जाए मार्केट में कि कुरान ने निस्बत मजाजन किसी और की तरफ की है जबकि दूसरी तरफ कुरान कह रहा है ये इंसानों से मुमकिन नहीं है, तो आप उसको मिसाल दें कुरान की। देखो बेटा कुरान मजीद बार बार कहता है कि किसी भी चीज़ को हलाल व हराम करना सिर्फ किसका काम है?
अल्लाह का। सूरह तलाक में अल्लाह ने क्या फरमाया 28वें पारे में, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल कर दिया आप उसको कैसे हराम कर सकते हो। तो हराम और हलाल करना नबी के इख्तियार में नहीं है, ये काम किसका है? अल्लाह का। किसी और को यह अथॉरिटी देना कि वो हलाल और हराम करे, ये शिर्क के ज़ुमरे में आती है चीज़। लेकिन इसके बावजूद एक जगह अल्लाह क्या फरमाते हैं कि नबी को हमने इसलिए भेजा, युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ताकि नबी इन पर खबीस चीज़ों को हराम कर दें। एक तरफ अल्लाह कह रहे हैं हराम करना सिर्फ अल्लाह का काम है, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहे हैं हराम करना नबी का काम है। तो भाई यहाँ हराम करना नबी का काम, ये नस्बत मजाजन है, करेगा अल्लाह हराम, बयान चूँकि नबी करेंगे इसलिए नस्बत किसकी तरफ कर दी है? नबी की तरफ कर दी है। खोपड़ी शरीफ में बात आ जानी चाहिए मेरा ख्याल है। अब एक आखिरी सवाल, बच्चा कहेगा अच्छा फलां बुजुर्ग ने तो ऐसा कर लिया, फलां बुजुर्ग की तो ये करामत, फलां बुजुर्ग की तो ये करामत, हजरत मरियम की ये करामत। तो उनको वही बात है, उनको बताएं बेटा चाहे करामत हो या मोजज़ा हो, जब नबी के हाथ पे कोई खिलाफ अकल काम होता है तो उस करता अल्लाह है, उसको इस्तिलाह में मोजज़ा कहा जाता है। जब उम्मती के हाथ पर कोई ऐसा काम होता है जो अकल से मावराउल अकल होता है तो वो भी अल्लाह ही कर रहा होता है, लेकिन उसको इस्तेलाह में करामत कहा जाता है। काम करने वाले दोनों कौन है? अल्लाह है ना। इससे ये साबित होता है कि वली के पास इख्तियारात आ गए ना, मौजज़े से ये साबित होता है कि पैगंबर के पास इख्तियारात। तो इख्तियारात अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। फिर जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आएगा बच्चे की समझ में और वो मुसलमान हो जाएगा। अब तक सिर्फ कटिंग के जरिए पता चलता है कि ये खतने होती हैं जिससे पता चलता है कि ये क्या है, मुसलमान। इसके अलावा हमारे पास और कोई अलामत मुसलमानों के पास? बोलो, सारे शिर्क भी कर रहे हैं और पता नहीं या अली मदद भी, या रसूल मदद भी, फलाना मदद भी, ढिमकाना मदद भी। इनका तखवा, इनकी तौहीद टूटती नहीं है। तो एक बस वाक्य सुना के अपने बयान को खत्म करता हूं। आज हमारी तौहीद ऐसे है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे, आज मुसलमान का तखवा और तौहीद ऐसे है जैसे कुत्ता जो है ना, कुत्ता, उससे किसी ने पूछा कि तू खड़े होकर तू टांग उठा के पेशाब क्यों करता है? उसने कहा छींटे ना पड़ जाएं। यानी उसका ख्याल यह है कि छींटे पड़ेंगी तो मैं नापाक हो जाऊंगा, पेशाब की छींटे नहीं पड़ेंगी तो मैं नापाक नहीं हूंगा। गटर का पानी पीने से वो नापाक नहीं होता, सारा दिन गटर में घुसा रहेगा वो नापाक, बोलो नहीं। कुत्ते बिल्ली मुर्दार खाता रहेगा वो नापाक नहीं होगा, सारा दिन कुत्तों जैसे काम करेगा वो। कुत्ता कभी देखा इंसानों जैसे काम करते हुए आपने? सारा दिन हरकतें कैसी करेगा? कुत्तों जैसी करेगा, खाएगा भी मुर्दार, बैठेगा भी गंदगी में, और वैसे तो कुत्ता जगह साफ करके बैठता है, इतना शूर है उसमें, पिएगा गटर का पानी। लेकिन जब उसको वो ये साबित करने के लिए कि मैं सफाई पसंद हूं, पेशाब करते हुए एहतियातन एक टांग उठा ले। तो आज का मुसलमान मज़ारों पे भी जा रहा है, सरदे भी कर रहा है, या अल्लाह मदद भी, या रसूल अल्लाह मदद भी, या अली मदद भी, या गौसे आदम मदद भी, अल्लाह से भी मांग रहा है, नबी से भी मांग रहा है, बुजुर्गों से भी मांग रहा है, पीरों से भी मांग रहा है, कब्रों पे भी जा रहा है, सारे काम करके ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानता। ये तकल्लुफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, काइंडली ये तकल्लुफ आप बोलो ना करें। तो इसलिए अपने बच्चों को ला तुशरिक बिल्ला सिखाओ कि बेटा शिरक नहीं करना, और शिरक का मतलब क्या, मैंने तो बहुत डिटेल में बता दी बच्चे को उसके मेंटल लेवल के हिसाब से। सुनो आप मजाजन और दो प्लेटें और तीन प्लेटें, बच्चा हो सकता है समझ में ना आए उसके, तो जब थोड़ा सा समझदार हो जाए तो उसको ये अकीदा तौहीद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सिखाएँ। अल्लाह ताला हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।